नमस्कार दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल पर लूसेंट समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट के वीडियो भी आते रहेंगे। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और निरंतर डेली आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं लियोपोलंड वॉन रैंक, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टोफस सेलियरंस, तीसरा ऑप्शन है सैमुअल वॉन उफेंडोर और चौथा ऑप्शन क्या है हेगेल और मार्क्स। तो आप हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद, पुराण, कुरान या बाइबल? तो इसका आंसर आपको मालूम है, भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेद के संकलनकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास, दूसरा है तुलसीदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेद कितने हैं? तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्या है। चार वेदों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऋचा, खिल, संहिता या होत्री। तो चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो आप हमें बताइए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। सातवां प्रश्न है, ऋचाओं में कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 8, 10, 9, 14। तो ऋचाओं में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋचाओं में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है 1012, दूसरा है 1028, तीसरा 1024, चौथा 10442, सॉरी 10462। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1028। नौवां नंबर, वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो वेद के ऋचा को जो पढ़े उस ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं। दसवां प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किसने की? ऑप्शन है विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास, कालिदास या फिर तुलसीदास। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? विश्वामित्र। ऋग्वेद की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। आइए देखते हैं 11वां नंबर, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब मैं जीडी का एग्जाम दे रहा था तो सेम प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद के कितने मंडल में सूर्य देवता की चर्चा है? ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, दूसरे मंडल, 9वें मंडल, तीसरे मंडल और 8वें मंडल। टोटल कितने मंडल हैं? 10। तो उस 10वें मंडल में से कौन से मंडल में सूर्य देवता की चर्चा है? तो तीसरे मंडल में। एस यू एन सन 3 अक्षर का नाम है तो तीसरे मंडल में, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद के कितने मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? आपके ऑप्शन है दूसरे मंडल, 8वें मंडल, तीसरे मंडल या फिर 9वें मंडल में। तो आपको अच्छे से पता होगा कि देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। कौन से मंडल में है दोस्तों? 9वें मंडल में है। देखिए 14 नंबर, चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कितने मंडल में है? ठीक है, चार समाज थे, कौन कौन से समाज थे वो सारे?
क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण जो चार समाज थे वो ऋग्वेद के कितने मंडल में उसकी चर्चा की गई है? दूसरे मंडल में, आठवें मंडल में, तीसरे मंडल में या फिर दसवें मंडल में? तो इसकी चर्चा दसवें मंडल में है। कौन से मंडल में दोस्तों? दसवें मंडल में है। ठीक है, 15 नंबर, ऋग्वेद के कितने मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? ठीक है, मतलब ये हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। कौन से मंडल में? तो आपके ऑप्शन है दूसरे मंडल, आठवें मंडल, तीसरे मंडल या फिर नौवें मंडल। इसका सही सही जवाब क्या हो जाएगा? आठवें मंडल में। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन था। देखिए 16 नंबर क्या है, लिखा हुआ है वामना अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। आइए देखते हैं 17 नंबर, ऋग्वेद में इंद्र के तीन सॉरी ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? आपके ऑप्शन है 250, 450, 350 और 500। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200। आपको अच्छे से याद होगा कि भगवान इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आइए देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर का प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है, प्राचीन इतिहास के साधन ग्रुप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर इसके आंसर कमेंट करके बताएंगे। ऐसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।